हाय स्टूडेंट्स, तो ये हमारे टॉपिक 7 यानी वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा आईटी जैम में 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हमारा द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका बोला जा रहा है सोल्यूशन क्या होगा सेटिस्फाइंग y0 = 0। जो y0 = 0 को सेटिस्फाई करे वो क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। तो हम देख रहे हैं कि ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो y का पावर ये है 1/3 है। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आप देख लो कि ये जो सॉल्यूशन है y x = 0, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप y x = 0 लोगे तो आपका राइट हैंड साइड क्या आएगा, 0। लेफ्ट हैंड साइड dy/dx, देखो इसका 0 का डेरिवेटिव 0, तो ये सेटिस्फाइड है। मतलब ये तो सेटिस्फाई कर रहा है ए नंबर। अब हमें बी सी डी इसमें से निकालना है, तो ये आपको तब मिलेगा जब आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। देख के पता चल रहा है वेरिएबल सेपरेबल है। dy/y^1/3 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, sin 2x into dx। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें ऐसे तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा y^-1/3 + 1 / -1/3 + 1। यहाँ पे sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos 2x/2 प्लस साथ में क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आगे यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, y^2/3 यानी y^2/3 / 2/3 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या आएगा, -cos 2x/2 एंड प्लस साथ में कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ इंटीग्रेट करके लिखा है यहाँ तक। अब हमारा देखो वैल्यू क्या है, y 0 पे 0 है, तो पुट करते हैं y 0 यानी x का वैल्यू 0। एक्स का वैल्यू जैसे 0 लेंगे तो यहाँ 1 आएगा, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0। तो 0 = -1/2 + c, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ। अब c का वैल्यू हाफ आ गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, c का वैल्यू हाफ आने से यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3/2 y^2/3, यह हो जाएगा -cos 2x + 2 और प्लस हाफ। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 - cos 2x। ठीक है, 1 - cos 2x क्या हो जाएगा, 2 sin²x। ठीक है, आपको पता है ऑलरेडी कि cos 2θ क्या होता है, 1 - 2 sin²θ आपने पढ़ा है। तो वहाँ से आप लिखोगे 2 sin²x होता है, सॉरी, तो 2 sin²x आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ये इधर आएगा, तो 1 - cos 2x, तो 1 - cos 2x की जगह पे 2 sin²x। तो ये हो गया 2 sin²x का वैल्यू। अब यहाँ से होगा क्या, ये आपका आ गया 2 sin²x, किसका वैल्यू 3 times, ये आ गया आपका 3 times y^2/3 का वैल्यू ये आ गया। अब देखो यहाँ से हम लोग y^2/3 को क्या लिख सकते हैं, 2 sin²x/3। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड क्यूब कर सकते हो। ठीक है, क्यूब क्यों करेंगे, ताकि यहाँ पे जो पावर 1/3 है वो हट जाए, तो यहाँ पे क्यूब करते हैं। तो देखो क्यूब करने से क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा y^2/3 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जब क्यूब करेंगे तो 2 3 8, 3 3 27, और sin² का जो क्यूब होगा वो sin 6x हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, कि यहाँ से हमें फ़ायदा क्या होगा, कि यहाँ पे पावर 3 और ये ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, y² का वैल्यू कितना आएगा, 8/27। इसे चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, sin³x का मतलब लाइक ऐसे हम लोग अगर कर दे तो ये भी हम चाहें तो लिख सकते हैं, मतलब कि इस पूरे का यानी रूट अंडर ऐसे अगर लिखते हैं तो पूरे का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 6x होगा, 6x, ताकि हमारा क्या होगा, ये इससे ये कैंसिल होगा, लेकिन हम यहाँ पे प्लस माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट का, अगर मान लो कि y² = 4 है, तो y का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, +-2² क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आता है, तो y का वैल्यू 2 आएगा, +-2। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा 2 वैल्यूज आएगा, यानी y का वैल्यू आएगा +√8/27, और sin^6x का रूट क्या होगा, sin³x। तो ये आएगा y का वैल्यू +-8/27 sin³x। तो देखो आपको ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो ये आपका नहीं होगा कॉस वाला पार्ट, यानी कि हो जाएगा आपका A, B एंड C करेक्ट आंसर। यहाँ मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिखाया, ये 2 वैल्यूज आ रहे हैं।
तो ये हो जाएगा आपका ए बी एंड सी सॉल्यूशन। सो थैंक यू सो मच।